الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کے لیے. جس کی ہمیشہ سے تعریف ہو رہی ہے اور ہمیشہ تک ہوتی رہے گی. لا تعداد بے حساب درود و سلام آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے. دل کی گہرائیوں سے دعائیں علماء اولیاء صلحاء جنہوں نے ہر دور میں ہر وقت میں ہر مشکل میں ہر گرمی میں ہر سردی میں اللہ کا پورا پورا دین ہم تک پہنچانے کی کوشش کی. اللہ اپنے حکموں کے مطابق
और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक इस पूरे पूरे दीन पे हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाएं। उलमा की, औलिया की, अल्लाह ऐसी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाएं कि जिसमें ना इफरात हो ना तफरीत हो, अल्लाह वो मोहब्बत हम सबको नसीब कर दे। मेरे दोस्तों, इस्लाम व ईमान की बात हो रही थी कि इस्लाम क्या है और ईमान क्या है। अल्लाह हमें मुसलमान भी कर दे, आमीन कह दे, और अल्लाह हमें मोमिन भी कर दे, आमीन कह दे। हमारी ज़ुबान में बज़ाहिरन ये दोनों चीज़ें एक हैं, लेकिन हकीकत में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक कौम, एक कबीला मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, मुसलमान होकर नारा लगा कर कहने लगे कि हम मोमिन हो गए, हमने ईमान कबूल कर लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आए, कहा कि इनसे कहो, कालतिल अराबु आमन्ना, ये गांव वाले कह रहे हैं कि हम मोमिन हो गए, नहीं, वलाकिन कूलू असलमना, यूँ कहो कि हम मुसलमान हो गए। ईमान अभी अगली मंजिल है। ईमान को गुड़ की डली नहीं, ईमान को मिठाई वाली की दुकान पे बिकने वाला लड्डू नहीं कि इतना आसानी से तुम कह दो कि हम मोमिन हो गए। मोमिन होने के लिए भट्टियों से गुजरना पड़ता, मोमिन होने के लिए आरों के नीचे आना पड़ता, मोमिन होने के लिए तलवारों के साए में नमाजें करबला वाले जिस तरह पढ़ गए इस तरह पढ़नी पड़ती, मोमिन होने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना पड़ता। हाँ, इतना कह दो हम मुसलमान हो गए। ईमान जब आएगा, जब यकीन आएगा, और यकीन जब आएगा, जब मोहब्बत पैदा होगी। मोहब्बत कब आएगी? जब मेरे नबी के नक्शे कदम पे चलोगे। हाँ, बस कह दो हम मुसलमान हो गए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी तक तुम्हारे दिल ईमान से रोशनास नहीं हुए, अभी सिर्फ तुमने जुबान से कलमा पढ़ा है। ईमान निशानियां मांगता है। जिससे मालूम होता है कि ये दोनों हमारी जुबान में बेशक एक चीज है, मुसलमान ही मोमिन है और मोमिन ही मुसलमान है, लेकिन कुरान और हदीस में ये वजाहत जरूर मिलती है कि दोनों अलग चीज है। दुआ किया करें, अल्लाह हमें मुसलमान भी कर दे और अल्लाह हमें मोमिन भी कर दे। मुसलमान होना उसको दिल देना है, और मोमिन होना अपना सब कुछ उसको देना है।
आल औलाद, माल मताल, शान मकान, दौलत के ढेर, आंखें भी, कान भी, हाथ भी, पांव भी, पेट भी, हम पेट उसके देने को तैयार नहीं है कि हम पेट भी अल्लाह को दे दें। इसलिए कि ये बेईमान इसी को भरने में हम लगे हुए। अपना नफ्स अल्लाह को देना है, अंबिया ने, सहाबाए किराम ने, एक बात मैं आपसे कह देता हूं, मेरी बात को पल्ले बांधना कि इस दुनिया में सबसे कम अगर किसी ने खाया होगा तो वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कुछ होने के बावजूद जो नबी कभी पेट भर के ना सोया हो, जिस नबी के घर के चूल्हे में तीन तीन महीने तक कभी आग न जली, जिस नबी को अल्लाह कहे कि अगर तू कहे तो इस पहाड़ को सोने का बना दू, और अगर तू कहे तो नबुवत के साथ साथ हुकूमत भी दे दू, काला न सोने की जरूरत है न हुकूमत की जरूरत है, नबुवत के साथ साथ बस अपना बंदा रहे। जिस नबी ने उम्मत के सामने इस पेट पे दो दो पत्थर बांधे हों, जो नबी रात को कभी पेट भर के न सोया, सहाबाए किराम जिन्होंने पेट पे पत्थर बांधे, वो भी सारे कभी पेट भर के नहीं सोए। कुरान कहता है दिन घोड़े की पीठ पे गुजरता था तो रात मुसल्ले पे गुजर जाती, सूरह सजदा 21वें सिपारे में अल्लाह फरमाते हैं ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदउन रब्बहुम खौफन व तमा, जिनको रातों को कभी एक पहलू पे नींद ही नहीं आती थी, पहलू बदल बदल के रात गुजार देते थे कि कब अल्लाह के सामने उठे, ऐसे लगता था जैसे इनकी आंखों में नींद ही नहीं है। या युहल मुज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इन कुस मिनहु कलीला, आधी रात बीवी बच्चों को दे दो, आधी रात हमें दे दो, आधी रात अपने नफ्स को दे दो, इन आंखों को दे दो और आधी रात हमें दे दो। सूरह मुज़म्मिल को पढ़ा करो घर में। मैंने गुज़श्ता जुमा कहा था कि सूरह तबारक अल्लज़ी हुज़ूर ने फरमाया रात को पढ़ के सोया करो तो कब्र के अज़ाब से बच जाओगे। सूरह मुज़म्मिल के बारे में भी बता देता हूँ, अगर रात को पढ़ के सो जाया करो, सारी रात तुम्हारे घर की, तुम्हारे माल की, तुम्हारी जान की, तुम्हारे ईमान की हिफाजत फरिश्ते बंदूक लेके खड़े होके करें। पढ़ो तो सही। अब मैं तो रात को टीवी देखते देखते सो जाता हूं,
फिर मुझे मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता। कैसे नसीब? इस जिंदगी पे इतना यकीन नहीं जितना मौत पे यकीन है। दुनिया में अगर कोई बेयकीनी चीज है वो जिंदगी। अभी भी कुछ साथी बैठे बात कर रहे थे कि मौत की तरह ये हांगकांग में नौकरी भी बेयकीनी होती है, नहीं है, शाम को कोई पता नहीं होगी कि नहीं होगी। चलो इसकी बात छोड़िए, असल चीज जो कुरान और सुन्नत कहता है, रिस्क तो उसने देना है जैसे भी देना। जब नौकरियां नहीं थी तो भी हम खाते थे, जब नहीं होगी तो भी खाते हैं, जब है तो भी वही दो रोटियां खानी। हम इंशाल्लाह कमा कमा के पिछलों के लिए छोड़ के चले जाएंगे। हालांकि फरमाया गया माल वो है जो तूने खा लिया, माल वो है जो तूने लगा लिया, तेरा जो है, और तेरा माल वो है जो तू अल्लाह की राह में खर्च कर गया, बाकी जो छोड़ गया वो तेरा ही नहीं। हम कितने पागल हैं जो हमारे ही नहीं उसी के पीछे भाग रहे हैं। और ये भी मानते हैं कि ये लानती दुनिया कभी किसी की हुई नहीं, आज तेरे हाथ में, कल मेरे हाथ में, परसों किसी और के हाथ में। लेकिन बहरहाल चूंकि रिस्क के लिए तगोदो करना, मेहनत करना हमें हुक्म दिया गया, इससे किसी को इनकार नहीं, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन यकीन और ईमान उसी पे, ये उसने एक बहाना बनाया। बाद में कई जुमों से कर रहा था कि ईमान भी फिर उसने इंसानों को दिया, इस्लाम भी उसने इंसानों को दिया। मानते उसकी फरिश्ते भी, ईमान उस पर फरिश्ते भी रखते हैं, ईमान उस पर जिन भी रखते हैं। जिन भी उसकी मानते हैं, ईमान उस पर इंसान भी रखते हैं और इंसान ही उसकी मानते हैं। बुजुर्गाने दीन ने एक बात लिखी है कि फरिश्तों का ईमान इतना कमाल का नहीं, इसलिए कि उनका ईमान मुशाहदे का है, वो आंखों से देखते हैं। ईमान है इंसान का, यूमिनून बिलगैब, जिसका मुशाहदा ही कोई नहीं, इसकी आंखें तो यहां तक देखती हैं, आगे देख ही कुछ नहीं पाती क्या है, लेकिन फिर भी यूमिनून बिलगैब, इसका ईमान मुजाहदे का, कोशिश का, मेहनत का। और मुजाहिदा, मेहनत, कोशिश देखने से बड़ी होती। आप अपनी कोशिश में लगे रहो, अपनी मेहनत में लगे रहो। कुरान कहता है कि वो किसी की मेहनत को जाया नहीं करते। रोटी के लिए करोगे रोटी देगा। हमारे यहां कुछ सियासतदान कुर्सी के लिए कर रहे हैं, मिल जाएगी उनको एक न एक दिन। आप जिस चीज के लिए करोगे मिलेगी। हां, अगर मेहनत करो कि तुम्हें वो मिल जाए, मेहनत करो कि तुम्हें मदीने वाला मिल जाए, तो इस पर भी उम्मीद रखो कि तुम्हें वो भी मिल जाएगा, तुम्हें मदीने वाला भी मिल जाएगा। जोर से कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नमा अमालु बिन्नियत, हर अमल का दारो मदार नियत पे होता। इंसान
قرآن میں انسان کو بنانے والے نے, گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہی بات کی تھی, اسے گزشتہ جمعہ بھی کہیں کہا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا, یہ بڑا ناشکرہ ہے. کہیں کہا یہ بڑا جلد باز ہے, کہیں کہا یہ بڑے چھوٹے دل کا ہے, کہیں کہا کہ یہ بڑا جھگڑالو ہے. اور کہیں کہا کہ یہ بڑا کمزور ہے. اور کہیں یوں کہا کہ یہ بے حقیقت ہے, اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں, ایک نطفے سے بنا ہے, قطرے سے بنا ہے. جتنی چیزیں ایک انسان کے بنانے میں لگی, آج اگر مارکیٹ میں اس کی قیمت دیکھی جائے تو 6 پیسے ہے آج کل کی مارکیٹ کے لحاظ سے. آپ کی اور میری قیمت 6 پیسے. لیکن کہیں کہیں کہا کہ انسان سے بڑا قیمتی ہی کوئی نہیں. اس کے مقابلے میں سورج بھی بے قیمت ہے, چاند بھی بے قیمت ہے, آسمان ساتوں بے قیمت ہے. بلکہ کہیں یوں کہا کہ اس کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا. مجھ بنانے والے سے پوچھو کہ ہر چیز کو میں نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا, انسان کو بنانے کا نمبر آیا تو میں نے فرشتوں سے کہا پرے ہو جاؤ, یہ ایسا قیمتی ہے میں نے خود بنانا. آپ نے بھی کبھی جیسے گھر میں کوئی اچھی چیز بنانی ہو تو گھر والے سے کہہ دیتے ہیں تجھے نہیں بنانی آئے گی, پرے ہٹ, میں بناتا ہوں اور میں تجھے سکھاتا ہوں کیسے بناتے ہیں. آپ کسی چیز میں اگر کاریگر ہوں, کوئی کوئی آدمی چائے بنانے کے بہترین کاریگر ہوتے ہیں, گھر والی سے کہتے ہیں پرے ہٹ, میں تجھے چائے بنا کے سکھاتا ہوں. میں گھر میں قہوہ بناتا تھا, میری گھر والی مرحومہ بھی کبھی کبھی کہتی تھی قاری صاحب آپ بناؤ بڑی بہترین, ہم سے نہیں بنتی ایسی. بہن ہی اللہ پاک نے بھی زمین و آسمان, چاند, سورج, ستارے, پہاڑ, ندی, نالے, درخت, باغات, ہر چیز فرشتوں سے کہا بناتے جاؤ, اور کئی چیزوں کو کہا کون بن جاؤ, فیکون, وہ بن گئی. لیکن انسان کو بناتے وقت نہ اس نے کون کہا, نہ انسان کو بناتے وقت فرشتوں سے کہا آگے آؤ, کہا پرے ہٹ جو میں خود بناؤں. آخر کوئی چیز تو ہے نا انسان کے اندر, جس انسان کو کبھی وہ کہتا بڑا کمزور, کبھی کہتا بڑا جھگڑالو ہے, کبھی کہتا یہ بڑا کمزور ہے, کبھی کہتا ہے دل کا بڑا ہلکا ہے, کبھی کہتا ہے ناشکرہ ہے. لیکن اسی انسان کو جب بنانے کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اپنے ہاتھوں سے بناؤ. اور پھر اسی انسان کو ایسی حقیقت دیتا ہے, ساری حقیقتیں ایک ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو جاتی. کیسا حقیقی وجود دیا اللہ, کیسی حقیقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس حقیقت کا انکار نہ اپنا کر سکتا ہے نہ بیگانہ کر سکتا. کہتے ہیں کہ ایک انگریز غیر مسلم نے کتاب لکھی ہے, اور کتاب بھی اس کا نام اس نے دیا ہے کہ دنیا میں 100 انسان جو بڑے کامیاب اور بڑے پورے اور کامل گزرے ہیں آج تک, تو اس نے 100 انسانوں کی ہسٹری لکھی ہے کون بڑے بڑے گزرے. آج بھی پہلا نمبر اس کتاب میں حضرت محمد الرسول اللہ, آج بھی, حالانکہ وہ دشمن ہے, ماننے والا بھی نہیں ہے لکھنے والا. اپنا ہوتا تو ہم کہتے,
ये वो हकीकत है जो बेगानों के कलम से और बेगानों की जुबानों से भी अल्लाह बयान करवा देता है। सूरज के निकलने पर मुझे इतना यकीन नहीं, मैं आपको भी कहूंगा ईमान बनाना, जितना यकीन तुमने जाते मोहम्मद रसूलुल्लाह पे रखना। अखबार टीवी जितने जराए हैं नशरियात के, इन सब की सच्चाई एक तरफ, जाते रिसालत की सच्चाई एक तरफ। एक औरत मदीने से निकली मक्के की तरफ, एक जासूसी खत लेके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए बताया गया कि फलानी औरत निकलने वाली फलां जगह पहुंच गई है, वो मदीने का खत लेके जा रही है, इसको पकड़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को 3 सिपाही दे के भेजा कि फलां जगह जाओ, एक औरत जा रही है मक्के की तरफ और उसके पास मदीने की जासूसी का खत है, उसे लो। अब जात भी औरत की, मर्द हो तो बंदा नंगा करके तलाशी ले ले, अब जात औरत की हो और सामने भी हजरत अली जैसा बंदा हो, कहा उसको तलाशी दे, जा पकड़ा उसको, तलाशी ली, खत नहीं निकला। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं, एक एक चीज की तलाशी। कहते हैं कि उनमें से एक ने हजरत अली से कहा, तलाशी ले ली, निकला कुछ नहीं। हजरत अली ने कहा नहीं, मेरे नबी ने कहा है, कहो सल्लल्लाहु अलैहि, हुजूर ने कहा है, दुनिया इधर से उधर हो सकती, रात आ सकती है, अंधेरे आ सकते हैं, तूफान आ सकते हैं, ये लाख इनकार करे, जब अल्लाह के नबी ने कहा है तो है। अब उस औरत से कहा, देखो हम मर्द हैं तुम औरत हो, मैं नहीं चाहता कि कपड़े उतार के तेरी तलाशी। और अगर तुम नहीं निकालोगी तो हम मजबूर हो जाएंगे, मेरे नबी ने कहा है। चुनाचे वो औरत इतनी परेशान हुई कि खत निकाल के हजरत अली की हथेली पर रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जोर से कह दो, मुसलमान जिना कर सकता है? आपने फरमाया कर सकता, गुनाह है, उम्मीद है, कोई बईद नहीं, इंसान है, खता कर सकता है। या रसूल अल्लाह मुसलमान शराब पी सकता है? कहा मुमकिन है, गुनाह है, गुनाह कर। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा यह नहीं हो सकता कि मुसलमान झूठ बोलता, मुसलमान जिना का गुनाह तो कर सकता है, शराब पीने का गुनाह कर सकता है, लेकिन हो मुसलमान और झूठ बोले ये नहीं हो सकता। ईमान और झूठ, आग और पानी एक जगह पे जमा हो जाए? अल्लाह के नबी को एक ईमान वाले पर इतनी उम्मीद है कि ईमान वाला कभी झूठ नहीं, जिना कर सकता है, गुनाह हो सकता है बंदे से, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। अब ईमान से आप और मैं जितने बैठे हैं, कभी सोचें क्या हमारी जिंदगी झूठ के बगैर है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, क्या तुझसे अल्लाह के रसूल को कितनी उम्मीद है कि मेरा उम्मती झूठ बोल ही नहीं सकता? हो मोमिन और झूठ बोले, और अगर झूठ बोलता है तो ये आज तक ईमान को समझा ही नहीं कि ईमान है क्या। मुसलमान हूं और अपना दिल किसी और को दे दे तो ये आज तक मुसलमानी को ही नहीं समझा कि मुसलमानी क्या है।
اسلام کیا ہے؟ بزرگان دین کا لکھا ہوا ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اسلام کے معنوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ میں دل صرف اسی کو دوں کسی اور کو دوں. جس نے کسی غیر کو دل دے دیا یہ تو مشرک ہو گیا, یہ تو مشرک ہو گیا. کعبے میں بت تھے, فتح مکہ سے پہلے کعبے میں بت تھے نا, کتنے تھے؟ 360. کتنے؟ 360. جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا, ہاتھ میں چھڑی لی, ساتھ قرآن بھی پڑھتے گئے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق آ گیا, باطل نے بستر گول کر دیا. عام مفسرین معنی یہ کرتے ہیں کہ حق آ گیا باطل چلا گیا. چلے جانے کا مطلب تو ہوتا ہے پھر آ جائے گا. ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ہر معنی کے بعد ایک معنی نکلتا ہے ہماری زبان میں. کوئی روٹی شوٹی کھا لو, کوئی پانی شانی پی لو. بھائی پانی تو ہے, یہ شانی کیا ہے؟ کوئی چائے شاہ پیتی نہیں, بھائی چائے تو ہے, یہ شاہ کیا ہے؟ کوئی دودھ شدھ پیتا نہیں, او بھائی دودھ تو ہم نے مان لیا, یہ شدھ کیا ہے؟ کوئی بچے سچے ہیں نہیں, بچے تو میں, یہ سچی کیا ہے؟ کوئی گھر والے ہی, گھر تو مان لیا, یہ ور کیا ہے؟ ہر لفظ کے بعد ایک لفظ, وہی ایک ذات ہے جس کے بعد کچھ نہیں. قل ہو اللہ احد پڑھو, میرے نبی تو کہے, میں نہیں کہتا, تو کہے, میں تجھے کہتا ہوں, تو ان کو کہے. یہ ہے واسطہ. آج کل مسلمان واسطے میں بھی لڑتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں واسطہ وسیلہ جائز ہے, کچھ کہتے ہیں واسطہ وسیلہ جائز نہیں. لڑائی ہے مسلمانوں کی. قل ہو اللہ, میں نہیں کہتا, تو کہہ. اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا, اللہ اکیلا. عربی کے اندر ایک کو واحد کہا جاتا ہے, ایک کو. اللہ نے یوں نہیں کہا قل ہو اللہ واحد, ان سے کہہ کہ اللہ ایک ہے. ایک کے بعد تو دو ہوتا ہے, دو کے بعد تو تین ہوتا ہے, تین کے بعد چار ہوتا ہے, پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک آگے زیرے لگاتے جاؤ کچھ بنتا چلا جائے, لیکن اگر ایک کو ہٹا دو تو جتنی مرضی زیرو لگاتے چلے جاؤ کچھ نہیں بنے. ایک سے دس ہوگا, پھر سو ہوگا, پھر ہزار ہوگا, پھر دس ہزار ہوگا, پھر ایک لاکھ ہوگا, پھر ملین ہوگا, پھر بڑھتا چلا جائے. ایک کو ہٹا دو, زیرو جتنی مرضی لگا دو کچھ بھی نہیں. قل ہو اللہ واحد نہیں, معنی بدل جائے گا. ایمان والوں یہ نہیں کہا کرو کہ اللہ ایک ہے. یہ آپ بھی کہتے ہیں, میں بھی کہتا ہوں, ہر بڑا کہتا ہے, چھوٹا کہتا ہے بچوں کو, اللہ ایک ہے. قل ہو اللہ احد, کہو اللہ اکیلا ہے. اللہ اکیلا ہے, تاکہ تصور ہی پیدا نہ ہو کوئی اور بھی ہوگا. اکیلا
قل جاء الحق وزهق الباطل. सिर पे डंडे भी मारते जा रहे हैं, गिराते भी जा रहे हैं, और साथ जुबान से कहते भी जा रहे हैं हक आया. यूं नहीं कहा, बातिल चला गया, माना है बेशक आपकी और मेरी जुबान. तफसीर में नीचे माना करने वाले लिखते हैं कि बातिल का बिस्तर गोल हो गया, और बिस्तर के गोल होने का मतलब यह होता है कि यह बिस्तर फिर कभी बिछ नहीं सकता. एक है बिस्तर को लपेट दो, आप सुबह उठे आपने अपना बिस्तर लपेट दिया. आप लोग अपना बिस्तर खुद लपेटते हो या आपकी घरवालियां लपेटती हैं? बताओ भाई, अपना बिस्तर खुद लपेटते हो या घरवालियां लपेटती हैं? गूंगे हो ओ यारो, बोलो तो सही ना, शर्म आती है. हाँ ये बात, मेरी अम्मा कहती हैं मुझे बिस्तर लपेटने की जरूरत नहीं होती थी, कमली वाले जब भी उठते अपने बिस्तर को खुद लपेटते. कहो सुभान अल्लाह. दो यहूदी आए मेरे पाक नबी के घर में रात ठहरना है, मेरे नबी ने रात ठहराया. कहो सुभान अल्लाह. एक ने अपनी तलवार रखी, दूसरे ने भी अपनी तलवार रखी, सो गए. सोते सोते रात को एक को पेशाब आया, बिस्तर में पेशाब कर दिया. किसके बिस्तर में? हांगकांग वालों, मेरे पाक नबी के घर का बिस्तर. और ईमान वालों में कहा करता हूं, सिर्फ मेरा नबी पाक नहीं, बोलो मेरे नबी का बिस्तर भी पाक है. ओ सिर्फ मेरा नबी पाक नहीं, मेरे नबी की घरवालियां भी पाक, बोलो. सिर्फ मेरा नबी पाक नहीं, मेरा नबी जो लिबास पहने वो लिबास भी पाक, मेरा नबी जो जूता पहने वो जूता भी पाक. हदीस में आया मेरे पाक नबी ने जूतों के साथ नमाज पढ़ी. एक आदमी आता है मस्जिद में जूता पहन के नमाज पढ़ता है. मैंने कहा जूता पहन के नमाज क्यों पढ़ रहा है? वो कहता है बुखारी में हदीस आती है. मैंने कहा आती है बुखारी में, मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो जूता पाक था, वो पैर पाक थे. तेरा जूता पाक है तो पढ़, वरना उतार के पढ़. ये बुखारी नहीं, तुझे बुखार है. एक ने तलवार उठाई सुबह सुबह, दूसरा भूल गया, दोनों भागे. हमने बिस्तर में पेशाब कर दिया. ओ आगे पहुंचे, उसको तलवार याद आई, तलवार बड़ी कीमती है. वापस पलटा तलवार उठाने को, देखा मेरे पाक नबी उसका बिस्तर जिसमें उसने पेशाब किया खुद धोने को लगे हुए. खड़ा हो के देखता है. इरशाद फरमाया अल्लाह का बंदा तू चला क्यों गया? नाश्ता करके जाता. वो सोच रहा है पेशाब निकला बिस्तर में, कहीं नबी मार न दे, नबी के आशिक मार न दे, नबी के दीवाने मार न दे, नबी के परवाने मार न दे. बिस्तर भी नबी का, घर भी नबी का, मेहमान भी नबी के हैं, कौन यहूदी. नाश्ता करके जाता, तुमने बताया ही नहीं, चले गए. कहता ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल हुवल्लाहु अहद. यू ना कहो अल्लाह एक है, कहो अल्लाह अकेला. जोर से बोलो अकेला, नहीं केले तो खाए जाते हैं, कहो अकेला. क्या है? अकेला है. वकुल जा अल हक व जहा कल बातिल,
इन्नल बातिल कान ज़हूका। झूठ के तो कभी पैर टिके ही नहीं, झूठ का तो बिस्तर कभी बिछा ही नहीं, बातिल का कभी बिस्तर बिछा ही नहीं। इसने जाना ही जाना होता है, हक नहीं जाता, हक वाला भी नहीं जाता। बोलो बेशक। हक भी नहीं जाता, हक वाला भी, हक भी नहीं जाता, हक वाला भी नहीं जाता। ये लफ्जों के हेर फेर भी हमें समझने के होते हैं। कहां इस्लाम ये है कि तू अपना दिल सिर्फ अल्लाह को दे। मुसलमान दिल किसको देता है? बोलो जोर से, अल्लाह को। वो बोल दो, ये जेड़े तुसी लड़कियां नू दिल देंदे फिर रहे हो। गद बला पे अपने दिल को डाल रहे हो। उसने दिल इसलिए बनाए ही नहीं, दिल तो उसने अपने लिए बनाया। ये क्या है? पांच पंजा है ना, लिखने में अल्लाह बनता है। अल्लाह ऐसे ही लिखा जाए। ये रोजा है, ये हज है, ये जकात है, ये नमाज है, ये ईमान। हर एक का कद अपना है, हर एक का वजूद अपना है। ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये इससे और थोड़ा छोटा है। इसको कहते तो अंगूठा है, लेकिन सब में मजबूत ये होता है। इसके बगैर कोई चीज पकड़ी नहीं जाती, इसके बगैर कोई चीज, इसके साथ मिलेगी तो नमाज बनेगी, इसके साथ मिलेगा तो हज बनेगा, इसके साथ मिलेगा तो रोजा बनेगा, इसके साथ मिलेगा तो हज बनेगा। इसके बगैर ये कुछ नहीं है। इससे मिलते हैं तो इनको वजूद मिलता है, और फिर जब ऐसे हो जाते हैं तो फिर सर तोड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसको अरबी जुबान में अगर आप अल्लाह लिखें तो ऐसे लिखा जाता। लोग कहते हैं हाथों की लकीरों में कुछ होता है। अखबार वाले भी लिखते हैं कि यह हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा। नजूमी भी आपकी हाथ की लकीरें देखता है। मेरा ईमान है कि हाथ की लकीरों में कुछ नहीं है। अगर देखना है तो इससे अल्लाह बनता है, और फिर इससे मुक्का बनता है। कहते हैं कि एक जट आदमी हल चला रहा था, देहरिया पास से गुजरा। पागल आदमी जो होता है ना, ज्यादा बोलने वाला, वो देखता है कोई बंदा मिल जाए मेरी बात सुने। ये शायर जो होते हैं ना, अपने शेरों की किताब बगल में दबा के घूमते हैं, को पागल मिल जाए जिसको हम अपने शेर सुनाए। वो भी पागल, वो भी पागल, दोनों पागल हो बैठते हैं। था पागल के मैं किसी से बात करूं तो जट मिल गया, हल चला रहा था। कहता बाबा जरा हल रोकना, मेरी बात सुन। उसने हल रोक लिया, को परदेसी है, मुसाफिर है, क्या कहना चाहता। हल रोक के कहता हाँ भाई बता। कहता ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, कोई बनाने वाला नहीं है। सब मुल्ला मुलवंटे झूठ बोलते हैं कि बनाने वाला को खुद बन गई। जट बेचारा थका खड़ा था, अभी उसकी रोटी आई नहीं थी घर वाली लेके, डांग उसके हाथ में थी, उसके सर में दे मारी। उसने कहा तूने ये डंडा मेरे सर में क्यों मारा? उसने कहा ये खुद ब खुद लग गया, मैंने नहीं मारा, शुक्र का भाई थोड़ा लगा है, अगर मैं जोर से मार देता तो ये दो टुकड़े हो जाते। है बेईमान आदमी, कहता है ये खुद ब खुद सब कुछ बन गया, जब ये डांग छोटी सी तेरे सर में खुद ब खुद नहीं लग सकती, मैंने मारा, जा थाने में केस कर। अब उसकी अकल ठिकाने, कहने लगा अब अकल ठिकाने आई है। गुज़श्ता जुमा मैंने बात इसी पे खत्म की थी। अम खोले को में अल्लाह एक सवाल करता है तुमसे, उसका हक है वो अपने बंदों से सवाल करे। हम भी उसी से सवाल करते हैं, हम भी
उसी से सवाल करते, वो भी हमसे सवाल करता, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन। सूरह वत्तूर है 27वें सिपारे में, शुरू तूर से होती है, लेकिन इसमें इतने सवालात हैं बंदे से, पेपर हैं पूरे पूरे। जब हम लोग इम्तिहान देते थे, जब पढ़ते थे, तो मैंने एक दिन अब्बा जी से पूछा, अपने अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, कि ये पेपर कैसे हल करने का कोई तरीका बताओ। तो मेरे अब्बा जी ने जहां और चीजें बताई तो एक बात मुझे ये कही कि जब सवाल आए ना तो पहले उस पेपर को अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ने के बाद जो सबसे आसान सवाल लगे पहले उसको हल करो, पहले मुश्किल को लिखने नहीं बैठ जाना, वक्त गुजर जाएगा। 40 मिनट वक्त होता है एक पेपर का, अब उसमें 10 सवाल आते हैं, 10 में से आपने 5 करने, तो सबसे पहले जो आसान सवाल है पहले उसे हल करना, मुश्किल को छोड़ देना। हमने मरना है, मरना है कि नहीं? आज जिसने नहीं मरना, कौन नहीं मरना? कब्र में सवाल होने हैं, सदके जाऊं मेरे अल्लाह के। मादीनों का तेरा दीन क्या, मन नबियों का तेरा नबी कौन, ये औखे सवाल ने, इस वास्ते कि मैं नबी नू पढ़िया ही नहीं, मैं अपने दीन नू पढ़िया ही नहीं, मर रब्बो का रब नू ते जानना है ना, ये आम सवाल है। हर नमाज में तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सारे जहानों का रब है। अरबी का माना लफ्ज ना समझ आए तो पंजाबी उर्दू में कर लो, रब कहते उसको हैं जो रोटी देता हूं, और तो तुम्हारी जुबान में कहते हैं कि जिसका खाओ उसके गुण गाओ। बंदा जिसका खाता है उसको तो पहचानता है। एक बुजुर्ग एक दिन एक बात कर रहे थे वाज में कि दो तीन बातें दुनिया में ऐसी हैं जो बंदा कभी भूल ही नहीं सकता, भूल ही नहीं सकता। पहली बात तो यह है कि जिसका खाया हुआ हो बंदा कभी भूल नहीं सकता, कुछ कर लो वो भूल ही नहीं सकता। रब का चूंकि बंदे ने खाया हुआ होता है तो कब्र में पहला आसान सवाल है मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। तो फरमाया कि पहले हमेशा आसान सवाल हल करो, मुश्किल सवाल को बाद में करो। तो अल्लाह पाक ने पूरी सूरत में सवालात ही सवालात हैं। सबसे पहला सवाल ये, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन, तुसी आपे बन गए, ये बिल्डिंग आपे बन गई। सुबह हमारी घरवाली, हमारी अम्मा, हमारी बहन उठे, घर का झाड़ू भी हो चुका हो, भैंसों का दूध भी खुद ब खुद निकल आया हो, लस्सी भी खुद ब खुद बन गई हो, मक्खन भी निकल के खुद आ गया हो, पराठा भी खुद ब खुद पक के आपके सामने आ गया हो, सालन हांडी भी सब कुछ पक के आ गई हो, कभी ऐसा हुआ है कि हर चीज खुद ब खुद पक के तुम्हारे सामने आ जाए? तुम खुद बने हो। अम खुलिकु मिन गैरि शैइन, अगर खुद बने हो तो चलो कोई सवाल नहीं, हम तुमसे पूछते ही नहीं और आगे भी नहीं पूछेंगे, इसलिए कि फिर तो ज्यादती है। जब खुद बन गए हो तो फिर तुम पर नमाज कैसी, तुम पर रोजा कैसा, हज कैसा, फिर अगला जहान कैसा, सब जो मर्जी करो। और दूसरा सवाल इसी में, अम हुमुल खालिकून, एक है कि खुद बन गए हो, दूसरा ये कि अपने आप को खुद बनाया, ये दो सवाल है। तुमने अपने आप को खुद बनाया? क्यों भाई, खुद नहीं बनाया तो अपने सौदे क्यों करते हो? अगर तुम अपनी इस जान के मालिक नहीं हो तो जान का सौदा क्यों करते हो? आज आप भी अपनी जान के सौदे करते हैं, मैं भी अपनी जान का सौदा करता हूं, हर मुसलमान अपनी जान को बेचने में लगा हुआ है।
और एक दफा जो चीज बिक जाए दोबारा बेची जा सकती है? बोलो, आप तो कारोबारी मुल्क में रहते हो, एक चीज का सौदा हो जाए तो दोबारा सौदा करना? इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, 11वां सिपारा, व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। ईमान वालों, में तो तुम्हारी जानों का सौदा खुद कर चुका हूं और खरीद चुका हूं, तुम बिक चुके हो। अल्लाह, हमारा खरीदार कौन? अल्लाह कहते हैं मैं, बनाने वाला भी मैं, प्यार से बनाने वाला भी मैं, अपनी तस्वीर पे बनाने वाला भी मैं, अपनी रूह डालने वाला भी मैं, और फिर मेरा कमाल देखो, बनाने के बाद भी तुम्हें खरीदने वाला भी मैं। अल्लाह मियां, मुझे तो याद नहीं तूने मुझे कब खरीदा, कब मेरी मंडी में बोली लगी, कितने में खरीदा गया, कैसे बेचा गया। अल्लाह कहते हैं बेअन्न लहुमुल जन्ना, डॉलर बदले में नहीं दिए, रुपया नहीं दिया, पौंड नहीं दिए, रियाल नहीं दिए, सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दी। अल्लाह मियां, बदले में क्या दिया? कहा बेअन्न लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले में तुझे खरीदा हुआ है। अल्लाह मियां, फिर जन्नत मिलेगी कैसे? कहा इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा वला। कहीं का वबशिर लजीना आमनू, मेरा नबी खुशखबरी दे दे ईमान वालों को, वामिलुस सालिहाते, जिन्होंने आमाल अच्छे किए। अल्लाह क्या खुशखबरी दूं? कहा अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वउतु बिही मुतशाबिहा वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा वहुम फीहा खालिदून। सदके जाऊं, मेरा अल्लाह कुरान में हकीकतें खोला है, मैंने तुम्हें जन्नत के बदले में खरीदा है। अल्लाह मियां, वो जन्नत क्या होगी? कहा मैं जानता हूं। अल्लाह, फिर भी बताना क्या होगा? कहा नबी को क्या मेराज वाली रात दिखा दूंगा। अल्लाह, फिर भी हमें बता तो सही, बनाई तो ने देखी हमारे नबी ने, को हमें भी तो बताना कैसी है। कहा कुल्लमा रुज़िकु बिन्हा मिन समरा तिर रिज़्कन कालू हाज़ल्लज़ी रुज़िकना मिन कबलु व उतु बिही मुतशाबिहा। जन्नती चाहेगा अनार खाऊं, अल्लाह कहते हैं अनार टूट के सामने आ जाएगा, छुरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब अनार सामने आएगा जन्नती बोलेगा अल्लाह एते शमसीपुर भी मिलदा सी, एते मैं चुंगी मेंशन च भी खा के आया, एते पाकिस्तान विच भी खा खा के आया, अफगानिस्तान च भी खा खा, ऐसे अनार दे जो मैंने देखे ना हो। अल्लाह कहेगा शक्लां ते ना जा, सूरत ते ना जा, खा के वेखते सही, ओदा मजा होर सी, एदा मजा होर है आए, ओदे दाने होर सन, एदा दाना होर है, ओ मिठा किसे तरह सी, ए मिठा किसे तरह है, हाँ खा के ते वेख। आम सामने आया जन्नती के, आम लेके बैठे, अल्लाह ये तो लंगड़ा आम है, मैंने रावलपिंडी में खाया, अटक में खाया, हजरों में खाया, ताजक में खाया, मीरपुर वाला बोलेगा अल्लाह मीरपुर खाया, खड़ी शरीफ खाया, फलानी मुल्तान वाला बोलेगा अल्लाह मियाँ ते मेरे बागा में चुंदा सी, मैं ते खा खा के आया। अल्लाह कहेगा नाम इसका भी वही है, शक्ल इसकी भी वही है, खा के देख इसका मजा और,
उसका मजा। कुल्लमा रुज़िकु मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु। अल्लाह तो मैं पहले भी खा खा के आया, वह उतूब ही मुतशाबिहा शक्लां ही को जइया ने। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं शक्लां ते न जा। बाद शक्लां बारों चंगिया ने विचों कालिया ने, ते बाद शक्लां बारों कालिया ने ते विचों हाय। इन्नल्लाह अश्तरा अल्लाह खरीद चुका मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम ईमान वालों से उनकी जाने, ईमान वालों का माल, ईमान वालों की औलाद, ईमान वालों का मकान, ईमान वालों की इज्जत, ईमान वालों का सब कुछ अल्लाह तो पहले ही सौदा कर चुका। हम तो सारे बिके हुए हैं। जिस चीज़ का पहले सौदा हुआ हो दोबारा उस चीज़ का सौदा नहीं होता, ये तो आम इंसानों का भी उसूल है। और फिर बंदा जिस चीज़ का मालिक ना हो बंदा उस चीज़ का तो सौदा ही नहीं। तू अपनी जान का मालिक है? ईमान से जितने बैठे हो बताओ जान के मालिक हो? ये जो तुहाडे कोल एजेंट आ जाते हैं इंश्योरेंस कराओ जान दी, तुहाडा कन्न चला गया तो असी कन्न देंगे, अख चली गई तो हम आँख देंगे, गोडा चला गया तो ईमान से बताओ गोडा चला गया दोबारा ये दे देंगे? आंख चली गई दे देंगे? कोई है दुनिया का कारखाना जिसमें आंख बनती हो? इनका मालिक तो अल्लाह है। जब वो मालिक है और खरीद चुका है तो फिर अपनी जान का सौदा काहे का? हाँ दुकान का मालिक तू है, तेरी है, उसमें अल्लाह ने तुम्हें मिल्कियत दी है। गाड़ी का तू मालिक है, ठीक है कर, जान का मालिक तू नहीं है, जान का मालिक नहीं है। जान का मालिक कौन? जान के अंदर चलने वाले सांसों का मालिक कौन? जान के अंदर दौड़ने वाला खून का मालिक कौन? जान के अंदर तेरी रूह का मालिक कौन? जब रूह का मालिक वो है, जान का मालिक वो है, सांस का मालिक वो है, तो तू कौन होता है अपने सांसों का सौदा कर? ईमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है? क्या इरशाद फरमाया दिल किसनु दे? जोर से बोलो, जोर से बोलो, दिल अल्लाह नु दे। कुरान में भी आता है, आयतल कुर्सी पढ़ते होते हो ना, आयतल कुर्सी से आगे भी दो आयतें हैं जो उसी का हिस्सा हैं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं। तत्तबयन अर्रुश्द मिनल गई फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू, अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू, अल्लाहु वलीयुल लजीना आमनू। कहा अल्लाह तो ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त, अल्लाह किसी और का दोस्त नहीं, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त। वो काला है गोरा है, छोटा है बड़ा है, सैयद है उम्मती है, इमाम है नमाजी है, उस्ताद है शागिर्द है, पीर है मुरीद है, ईमान वाला है। छोटा है बड़ा है, औरत है मर्द है, अल्लाह उसका दोस्त। और जिसने अल्लाह से दोस्ती लगा ली वो वली बन गया। युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, अल्लाह वो है जो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ। इतने ये गल फिट कर दें, दो उलमा ने लिखा है दोस्त वो है, दोस्त वो है जो तुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए, दोस्त वो है जो तुझे गलत रास्तों से हटा कर अच्छे रास्ते पे ले आए, दोस्त वो है जो तुझे अल्लाह का तारुफ। वो दोस्त नहीं होता जो तेरे साथ बैठ कर ताश खेलता हो, वो दोस्त नहीं होता जो तेरे साथ बैठकर शराब पीता हो, वो दोस्त नहीं होता जो तुझे चोरी पे साथ लगा लेता हो, जो दोस्त वो नहीं होता जो तुझे झूठ के सबक देता हो, दोस्त वो नहीं होता जो तुझे माँ बाप की नाफरमानियों के दर्श देता हो, दोस्त वो नहीं होता जो तुझे कहे फलाने को कत्ल कर दे, गाली दे दे, मार दे, ये कर दे, दोस्त वो होता है जो तुझे सीधे रास्ते पे। अल्लाह दा ना जे दोस्तियाँ ऐसों से लगाओ जो तुम्हें सीधे रास्ते पे लगे। और अल्लाह कहते आओ ना मेरे साथ दोस्ती लगाओ, मैं अपनी उंगली तुम्हें दे दूंगा पकड़ो, फिर मेरी उंगली पकड़ के चलते रहना,
अम्मा सब्जी लेने जाती है, बच्चा जिद करता है अम्मा सुबह मार्केट में जाऊंगी, पहले तो माँ जान छुड़ाती है ना ले जाऊं, रश होगा सब्जी मार्केट में, लेकिन बच्चा रोता है फिर भी माँ मजबूर हो जाए तो कहती है पुत्र मेरी उंगल पकड़ के रही हो, कहीं गुम ना हो जाइए, इधर उधर ना हो, केले के छिलके पे तेरा पाँव आ जाए, कहीं गिर ना जाइयो, तुझे चोट ना लग जाए, तुझे कुछ ततीवा ना लग जाए, तू इधर उधर ना हो जाए, हो सकता है माँ के हाथ से बच्चे की उंगली छूट जाए, इसलिए कि माँ भी कमज़ोर बच्चा भी कमज़ोर, बच्चा गुम हो जाए चोट लग जाए, लेकिन जिसकी उंगली खुदा के हाथ में आ जाए मेरा अल्लाह तो कमज़ोर नहीं, फिर वो कैसे छूटेगी। ओ अल्लाह पाक मंजिल पे ले जाके वहां भी नहीं छोड़ेगा, वहां कहेगा मैं तेरे सामने तू मेरे सामने आ, मैं तुझे देखता रहूं तू मुझे देखता रह, अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनद दुलुमाति इलन नूर वल्लदीना कफरू أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات। एक कुफर वाले ने जो तुझे नूर के रास्ते से हटा कर झूठ के रास्ते पे लगा देगा, अल्लाह नहीं है कि अल्लाह अपने बंदे को झूठ के रास्ते पे लगा दे, फिर दोस्ती उससे रख, फिर दूसरों से दोस्ती रखता क्यों है जो तुझे गलत राहों पे चला दें। ईमान इस्लाम दोस्ती अल्लाह से लगा। ईमान क्या है, हुजूर ने फरमाया अपने अखलाक को अच्छा कर, अपने बोल चाल को अच्छा कर ले, चाल चलन को अच्छा कर ले, अपने तोल और बोल को अच्छा कर ले, फिर तो तू मोमिन। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।